नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एसआई भर्ती की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दो नए अपडेट्स की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर अभी कुछ दिनों पहले इस पर प्रेस नोट जारी हुआ था। तो सबसे पहले आप यहाँ ये देख सकते हैं, प्रेस नोट रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन फॉर ओल्ड पोर्टल कैंडिडेट्स। तो आप जैसे इस प्रेस नोट को डाउनलोड करेंगे, यहाँ से इस प्रेस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये एक प्रेस नोट जारी हुआ था 18 सितंबर को, ये प्रेस नोट जारी हुआ था। इस प्रेस नोट में ये बताया गया है कि जिन विद्यार्थियों ने 2016-17 में एसआई का फॉर्म भरा था आरपीएससी के पोर्टल पे, उन्होंने जब आरपीएससी के पोर्टल से एसआई का फॉर्म भरा था, ना कि एसएसओ आईडी से, तो उन विद्यार्थियों को दोबारा से अपने फॉर्म का नवीनीकरण आपको करना होगा। और आप में से काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका नवीनीकरण किया होगा, एसएसओ आईडी से पुनः आवेदन भी किया होगा। लेकिन आज के वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि कोई भी विद्यार्थी इस चीज़ से वंचित ना रहे, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने पहले आरपीएससी पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उन्हें दोबारा से एसएसओ आईडी से दोबारा फॉर्म भरना होगा। इससे पहले काफ़ी दिनों पहले से ये प्रेस नोट जारी किया, फिर दोबारा से इस डेट को बढ़ाया गया है, तो अब आगे आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और प्रेस नोट में ये बात बिल्कुल क्लियर की गई है कि जो विद्यार्थी अपना आवेदन का नवीनीकरण नहीं करेंगे, उन्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप इस जिन विद्यार्थियों ने अपने फॉर्म का नवीनीकरण नहीं किया है, उन्हें दोबारा से एसएसओ आईडी से आपको फॉर्म भरना होगा। और जिन विद्यार्थियों ने कर लिया है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सिर्फ केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने आरपीएससी पोर्टल से फॉर्म भरा था। तो प्रेस नोट पर भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक और अपडेट पर हम आगे बात करेंगे, जिसमें एसआई भर्ती के पदों को बढ़ाने की मांग की गई है। तो सबसे पहले इस प्रेस नोट को आप देख सकते हैं, आयोग के विज्ञापन संख्या के तहत उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2016 के लिए आरपीएससी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को एसएसओ आईडी से रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से पुनः नवीन ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आयोग द्वारा शुद्धि पत्र संख्या, मतलब वो पहले जारी किया गया था, तो उक्त शुद्धि पत्रों के तहत अब ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 20 सितंबर रात्रि 12 बजे तक बढ़ाई जाती है, तथा आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन की दिनांक 22 सितंबर तक रहेगी। और जिन विद्यार्थियों के फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है, नेम में, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी तरह की, वो आप करेक्शन कर सकते हैं 20 तारीख के बाद, 22 सितंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और आवेदन का नवीनीकरण आप 20 सितंबर तक कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कल 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक आप इसका नवीनीकरण कर सकते हैं, और इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ एक और नया अपडेट आप देख सकते हैं, जिसमें एसआई के पदों में बढ़ोतरी की मांग की गई, केवल मांग की गई है, अभी इससे संबंधित और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है। एसआई पदों पर परीक्षा 7 अक्टूबर को होगी, ये सभी आप जानते हैं। अभ्यर्थी पदों की संख्या बढ़ाने की करने लगे मांग, तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है। पूर्व में इस भर्ती की परीक्षा के लिए 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए थे, और ये आज की ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, आज की नहीं है, ये सितंबर 13 की न्यूज़ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग में सब इंस्पेक्टर पुलिस यानी एसआई पदों पर भर्ती के लिए 7 अक्टूबर को ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इधर आयोग इस भर्ती की परीक्षा की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बेरोजगार अब इस भर्ती में अब और पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वैसे ये भर्ती 330 पदों के लिए जारी की गई थी, और ये विद्यार्थियों के द्वारा मांग की गई है। अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो चैनल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी।
फिलहाल आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट यही था फॉर्म का नवीनीकरण से संबंधित, और प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और आपके कोई दोस्त ने अभी तक नवीनीकरण नहीं किया है तो उसे भी बताएं ताकि वो नवीनीकरण और नवीनीकरण कर सके और अपना एग्ज़ाम SI का जो एग्ज़ाम है वो दे सके। धन्यवाद।